आ तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी कुशीनगर में ट्रेन और स्कूल वैन वच्चे थयेला अकस्मात पर दुख व्यक्त कर्यु। योगी आदित्यनाथ जणाव्यु के समग्र घटना मामले तपास आदेश अपाया छे अने कोनी बेदरकारी कारण आ दुर्घटना सर्जाई छे तेनी निष्पक्ष तपास थशे। साथ ज जणाव्यु के रेल मंत्री ने फाटक अंगे बातचीत करी छे अने रेल पर फाटक बने तेटला झड़पथी तेवी अपील पण करवामां आवी छे। दुर्घटना हुई है, स्कूल की वैन एक पैसेंजर ट्रेन से टकरा गई जिसमें 13 मासूम बच्चों की मौत हुई है। 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं और ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल है। उन्हें गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। गोरखपुर के कमिश्नर को इस पूरे मामले की जाँच करने का आदेश दिया गया है। वे इस बात की जाँच करेंगे कि आखिर इस दुर्घटना के पीछे किसकी लापरवाही और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। दूसरा, इस मामले में विद्यालय का रजिस्ट्रेशन, ड्राइवर की लापरवाही के अलावा और भी क्या क्या खामियां हैं, किस किस स्तर पर यह लापरवाही बरती गई है कि बार बार इंस्ट्रक्शन के बावजूद इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार की ओर से हम लोगों ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की सहायता की तत्काल घोषणा की है। माननीय रेल मंत्री से मेरी बातचीत हुई है, मैंने उनसे भी इस बारे में अपील की है कि अनमैन रेलवे क्रॉसिंग को मानवयुक्त करने और साथ साथ वहां पर उन जो भी मृतक के परिजन हैं उन लोगों को आर्थिक सहायता देने की मैंने उनसे इस बारे में घोषणा की है। उत्तर प्रदेश कुशीनगर में आज सवारे ट्रेन और स्कूल वच्चे अकस्मात थयेला गंभीर अकस्मात में 13 बाळकों ना मौत थया छे। 7 बाळकों गंभीर छे जेना पगले यूपी ना सीएम योगी आदित्यनाथे दुख व्यक्त कर्यु अने તેઓ ઘટના સ્થળે પણ પહોંચ્યા જ્યાં સીએમ યોગી આદિત્યનાથ વિરુદ્ધ લોકોએ સૂત્રોચ્ચાર પણ કર્યા। સીએમ યોગીએ કહ્યું કે આજે જે દુઃખદ ઘટના બની છે તે અંગે રેલ મંત્રી સાથે વાત થઈ છે। મૃતક અને ઇજાગ્રસ્તોના પરિવારને 2-2 લાખની સહાય આપવાની પણ જાહેરાત કરાઈ છે। કુશીનગરની ડિવાઇન મિશન સ્કૂલની વાન સવારે 22 બાળકોને લઈને સ્કૂલ જતી હતી તે સમયે માનવરહિત ક્રોસિંગ પર આ અકસ્માત સર્જાયો હતો। परिस्थितियों में किन कारणों से ये चीजें यहाँ पर फॉलो नहीं हो पाई हैं, इन सब मामलों की भी जांच के आदेश दिए गए हैं। 4 बच्चे और एक ड्राइवर अभी घायल है, गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज उन्हें रिफर किया गया है। अभी मैं घटनास्थल पर जाकर के फिर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी जाकर के वहाँ देखूंगा। परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। लापरवाही और इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा कठोरतम कार्रवाई सरकार करेगी। स्कूल वैन के जेमा नाना भूलकाओ शाळाए जता होय छे परंतु आ नाना भूलकाना माता पिता ने क्यारे स्वप्ने ख्याल नहीं आवे होय के जे वान मा ते पोताना बाळको ने शाळाए मोकली रह्या छे ते वान तेमना बाळको माटे मौतनी सवारी बनी जशे। उत्तर प्रदेश अने दिल्ली मा आवी ज एक घटना बनी ज्या શાળાએ જતા બાળકોની ચિચિયારીઓથી સમગ્ર વિસ્તાર ગુંજી ઉઠ્યો। યુપીના કુશીનગરમાં ટ્રેન અને સ્કૂલ વેન વચ્ચે અકસ્માત થયો જેમાં કનૈયાનગરના વિસ્તારમાં સ્કૂલ વેન અને ટેમ્પા વચ્ચે અકસ્માત થતા 12થી વધુ બાળકો ઘાયલ થયા છે। જો કે આ બંને દુર્ઘટનામાં વાન ચાલકની બેદરકારી સામે આવી છે। યુપીમાં વાન ચાલકો ઇયરફોન પર ગીત સાંભળી રહ્યા હોય છે ત્યારે દિલ્હીમાં પણ વાન ચાલકે યુટર્ન લેતા જ વાન દૂધના ટેમ્પા સાથે ધડાકાભેર અથડાઈ હતી અને આ ઘટના ઘટવા પામી હતી।